हुसैन तेरा बेमिसाल है। और फिर ऐसे करते करते उनके साथ ही मैंने बहुत सारी मॉडलिंग की। तो इस तरह से आप बन गई मॉडल। मॉडलिंग के बाद? मॉडलिंग के साथ साथ ही मैंने काम नहीं छोड़ा, क्योंकि एक रेगुलर सैलरी आती थी। साथ में मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैंने साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया। मदर तो मॉरल सपोर्टर रही ही है। मेरे फादर बहुत अगेंस्ट थे इस बात के कि मेरी सारी सिस्टर्स, तुम्हारी सारी बुआज की शादी 18 साल में हो गई और तुम वहाँ पर काम कर रही हो, हमारे घर में काम नहीं करता कोई। और मॉडलिंग? मॉडलिंग तो बिल्कुल ही नहीं। पर उन्होंने देखा कि मिस्टर और मिसेस खन्ना जो हमारे मेरे लिए बिल्कुल फैमिली जैसे थे, छुट्टी वाले दिन भी मैं उनके घर में टाइम स्पेंड करती थी, तो वो मुझे बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में ही रखते थे और मॉडलिंग भी इनके साथ ही होती थी, तो मुझे ऐसा कुछ एक्सपोजर नहीं हुआ। पर मैंने खुद ही सोचा कि मैं ग्रेजुएट बन जाऊँ, इसलिए मैं 2 साल के लिए वापस चली गई और जाके मैंने अपनी ग्रेजुएशन खत्म की इन हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। इतिहास और मनोविज्ञान, ये आपके प्रिय? बहुत, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद थी और मैंने हिस्ट्री टॉप भी की थी अपने कॉलेज में। तो ग्रेजुएशन करने के बाद उसके आगे का जो सफर था? ग्रेजुएशन से लास्ट एग्जाम से पहले ही मेरे को एक कॉल आ गई, क्योंकि मुझे वो टेस्ट हो गया था काम करने का, तो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया और वहाँ पर मेरे को हायट रीजेंसी होटल में रिसेप्शन पे जॉब मिला। पैसे तो इतने ज्यादा नहीं मिलते थे, लेकिन वो ग्लैमर बहुत था। इतना बड़ा 5-स्टार होटल, वो नया नया खुला था और एलीट क्लाइंट्स थे। आपको इंग्लिश बोलनी थी, अच्छी तरह उनसे बातचीत करनी थी। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद मैं वहाँ पर उनके कॉन्सियर्ज डेस्क पे बाहर शिफ्ट हो गई। कॉन्सियर्ज एक स्पेशल प्लेस होती है होटल्स में, जहाँ पर आपके स्पेशल गेस्ट आके चेक इन करते हैं। अगर हम गलत नहीं है तो ब्यूटी कॉम्पिटिशन में भी आपने हिस्सा लिया? हाँ, इसी दौरान क्या हुआ कि उसी होटल में मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट हुआ। फिर मेरी मासी वही मेरे पास आई और बोला कि तुम इसमें व्हाई डोंट यू टेक पार्ट। और ये बात मेरे को हमेशा याद रहती है कि उन्होंने कभी भी डिसवेड नहीं किया। उन्होंने बोला जाके कर लो, नहीं कुछ मिला तो एटलीस्ट ट्राई तो किया होगा। तो मैं चली गई और उसी होटल में मैंने स्पेशल परमिशन ली, तो मैं फर्स्ट 5 में आ गई थी, बट आई डिडंट कम इन द फर्स्ट 3। फाइनलिस्ट में आ गई थी, बट मैं बॉम्बे नहीं गई उसके बाद। एक तरफ तो आपके माँ बाप 14 साल की उम्र में आपकी शादी करना चाहते थे, दूसरी तरफ इस तरह के प्रोफेशन, इस तरह की लाइन, कोई विरोध नहीं हुआ कभी घर की तरफ से? हमेशा फादर की तरफ से कि चलो अब हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा सब कुछ, अब शादी कर लो। फिर उन्होंने मेरी इंगेजमेंट एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर के साथ कर दी। बहुत धूमधाम से मेरी इंगेजमेंट हुई। हम 6 मंथ्स तक ही इंगेज रहे। होटल्स के बाद मैं क्वेट एयरवेज में चली गई और फिर थाई इंटरनेशनल में। थाई इंटरनेशनल में मेरे को सैलरी अच्छी मिलनी शुरू हो गई। मेरे जो वुड बी इन लॉज थे, उन्होंने बोला आप सब कुछ छोड़ो। तो ये मुझे लग रहा था आई एम बैक टू द पवेलियन, फ्रॉम द फ्राइंग पैन इन टू द फायर। तो मैंने कहा ये तो बात अच्छी नहीं है, मैंने इंगेजमेंट तोड़। मैंने उनको तार भेजी, वो जम्मू में थे और इंगेजमेंट इज ऑफ। एक के बाद एक, मतलब घर वालों की तो सुनती ही नहीं थी आप? ऐसी कोई बात नहीं है, ये कह देती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात वैसी ही है। नहीं, उसमें एक रीजन था, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स को बहुत प्रेशर कर रहे थे डाउरी के लिए और उस चीज के मैं बहुत अगेंस्ट थी। तो आपने दहेज के विरोध में? बिल्कुल, बिकॉज वो बहुत वेल ऑफ थे और मेरा ये मानना है कि जब लड़की अपना घर छोड़ के आती है, वो सब कुछ छोड़ के आती है। जो वुड बी फैमिली है, उनको गर्ल को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसी है, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के आ रही है। ये सब बातें मेरे को कभी भी पसंद नहीं थी और मैंने इसका विरोध किया। तो फाइनली संगीता, फिर शादी कब की आपने? शादी तो मेरी बहुत देर के बाद हुई। उसके बाद थाई इंटरनेशनल के बाद मैं अपने पेरेंट्स से थोड़ी सी मैं नाराज भी थी कि आप बार बार मेरी शादी फिक्स कर देते हैं, मुझे ढूंढने दो लड़के को। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब हम आपको प्रेशर नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं अब फ्लाइंग जॉब ढूंढती हूँ जो इंडिया से बाहर है। तो मुझे फ्लाइंग जॉब मिल गया और मैं रॉयल जॉर्डेनियन में चली गई और अम्मान जॉर्डन, जो गल्फ और मिडल ईस्ट एरिया में है, मैं वहाँ जाके रही 3 साल। 3 इयर्स अपने बहुत पैसे सेव करती थी और मैंने उसी दौरान में अपना घर बुक किया। तो फाइनली फिर शादी के मंडप तक कैसे पहुंची आप? वो भी एक और स्टोरी है। जब अम्मान की हमारी खत्म हुई, गल्फ वॉर शुरू हो गई वहाँ पर, तो उस वक्त उन्होंने सारे एक्सपैट्रिएट्स को बोला कि अभी आप घर जाओ, क्योंकि हम यहाँ पर किसी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तो जब मैं वापस आई
घर के इंस्टॉलमेंट्स जा रहे थे, तो किसी तरह जॉब तो करना था क्योंकि हैवी था और इंडिया में वैसी सैलरी नहीं थी। फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं दुबई जाऊँ, और दुबई में मेरे को एमिरेट्स एयरलाइन में जॉब मिल गई, सेम जॉब एयर होस्टेस की और डबल द सैलरी पे। तो वो मेरे लिए बहुत इजी हो गया और फिर मैंने बहुत जल्दी अपने पेमेंट्स दोबारा शुरू कर दी। सवाल हम आपसे कह रहे हैं, कब हुई आपकी शादी? मेरी शादी हुई फिर 2000 में, जब मैं 30s में थी अपनी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने अपनी MBA भी कर ली थी, घर भी बना लिया था, काफ़ी सारी चीज़ें भी इकट्ठी कर ली थी। बस एक मेरे जैसा ही एक हमसफर मुझे मिल गया और हमारी शादी हो गई। कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाहती आप उनके बारे में? मर्चेंट नेवी में थे और अब बिजनेस करते हैं। ही इज़ अ नाइस जेंटलमैन। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, आपके मौजूदा प्रोफेशन की तरफ, यानी इमेज कंसल्टेंसी। कहाँ कहाँ से क्या क्या किया? मैं चाहती थी कि मैं अपना MBA को यूज करूँ। मैंने अपनी MBA किए है UK से, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड से, और एग्जीक्यूटिव MBA, जिसमें लोगों को एडमिशन नहीं मिलती जब तक आपके पास कम से कम 7 या 10 साल का तजुर्बा ना हो। मार्केटिंग और फाइनेंस मेरे स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट्स थे और मैं थोड़ी सी हार्डकोर प्रोफेशनल हो गई थी, तो मैं अपना बिजनेस खोलना चाहती थी। उसी दौरान आई केम इन द फैमिली वे, जब मेरा बेटा हुआ, खाली तो मैं बैठ नहीं सकती थी, तो मैं इंटरनेट पे ढूंढना शुरू हो गई ऐसी क्या चीज़ करूँ जिससे मैं अपने आप को बिजी रखूँ। और वहाँ पर मुझे पता चला कि एक होम स्टडी कोर्स है इमेज कंसल्टेंसी का, उसमें आपको सर्विस इंडस्ट्री का थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, पैशन चाहिए लोगों को हेल्प करने के लिए, और जितना भी उसमें डॉक्यूमेंटेड था क्या ये आपका कोर्स कंटेंट्स है, उसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें मुझे आती थी क्योंकि इतना एक्सपीरियंस था, बट मुझे एक सर्टिफिकेशन चाहिए थी। बहुत सारे लड्डू एक बार ही हाथ में ले लिया आपने? नहीं, जब बचपन की बात है, बचपन में तो मैं खाली नंस देखती थी, तो मैं सोचती थी नंस ही बन जाना चाहिए। लेकिन जैसे बड़ी हुई और बाहर एक्सपोजर हुआ दिल्ली में, फिर मैं चाहती थी कि मॉडल बन जाऊं। मुझे फिल्म्स के भी बहुत ऑफर आए, बाय द वे सुभाष घाई जी ने भी मुझे ऑफर दिया था। आप खुद भी इंटरेस्टेड नहीं थी फिल्म लाइन में जाने? मुझे पता नहीं था, पर आपने देखा है कि मैं शुरू में भी जब जॉब करी थी, मेरे को खाली मॉडलिंग का नहीं था, मुझे था कि मैं कुछ अपना माइंड यूज करूं। इसलिए बाकी आगे जाके मैंने MBA भी किया, वो भी एयरलाइन क्रू के लिए एक MBA करना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो कितने लोगों की जो इमेज है वो आपने बनाई है अब तक? कौन कौन, किस किस तरह के लोग हैं जो आपके पास में आए? मेरे पास बहुत तरह के क्लाइंट्स आते हैं, यहाँ की बच्चों से लेके टीनेजर्स से लेके लेडीज के ग्रुप्स को लेके।